अभी हम चल पड़े हैं पिकनिक के लिए, और पिकनिक में सभी दोस्तों ने सबको हेलो बोला, और हेलो बोलते ही ये मड़वा रानी का मंदिर आ पहुँचे और वहाँ से निकल गए। देखते हैं दोस्तों कि आगे रास्ता कैसा है। तो देखो, यहाँ का जो रास्ता है जंगल से होते हुए निकलता है, और आड़ा तिरछा मुड़ते हुए हम लोग आगे चल पड़े हैं। ये भाई साहब सोच रहा है कुछ देखने को मिल जाए, लेकिन ये बंदा बोलता है कि यहाँ तो बहुत है सुअर का बच्चा और मोर, और कुछ कुछ मिलेगा। और हम लोग हंसी में एकदम बिल्कुल मनमस्त हो गए, और देखते हैं आगे का रास्ता कुछ और ही बता रहा था। यहाँ तो देखने के लिए कुछ सफेद सफेद का बना था खंभा, और उस खंभे को देखते हुए हम निकल पड़े हैं। आगे हो रहे हैं लंबा, और भाई साहब लोगों को कुछ पता ही नहीं था। ये देखो रास्ता है सीधा, और सीधा चलते चलते हम लोग मुड़ गए हैं, और देखने को मिलता है हमारा ये भाई मोटलू भाई है, और ये हमारा है पतलू भाई। तो ये दोनों में कुछ अनबन चल रही थी, बाकी हमने देखा कि कुछ तो बात में लोचा है। बाकी ये भाई साहब बोलने लगा है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, ये लोग कुछ तो पैक के लिए बोल रहे हैं। मेरा मानना है भाई, मैं ही पैक को पी लूंगा, तो ये लोग क्या करेंगे। जो पिकनिक में जाते हैं वो कुछ न कुछ लेके चले जाते हैं, लेकिन गुफ्तगू ये थी कि हम दोस्तों में कोई पीने वाला नहीं था। बाकी ये तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर था, इसका कोटा तो कभी पूरा होता ही नहीं था। तो देख रहे हैं इसका कोटा बहुत बड़ा था। तो हम आगे को मुस्कुराते हुए निकल पड़े हैं, और आ गए हैं एक घने जंगल में, और घने जंगल में देख रहे हैं हमारे गाड़ी का शोरगुल तेज है, तो हमने कर दिए हैं म्यूट, और हम चल पड़े हैं एक रास्ते में, और हमारा फाइनल जो जगह है नदी का पार, वहाँ पहुँच चुके हैं। और हम देख रहे हैं एक नदी में कुछ न कुछ तो मिल जाए, जहाँ पे जगह बनाने के लिए आसान हो, और बैठने के लिए और खाने के लिए जगह मिले। बाकी और कुछ और तलाश रहे हैं हम। बाकी हमारा एक मिल गया है लकड़ी का टुकड़ा, उस टुकड़े को लेकर के हम बनाएंगे एक तंबू, और ये हमारा मोटलू भाई पहुंच गया है। और यहाँ पे हम लोग दोनों जने कर रहे हैं कलाकारी, और यहाँ पे बना लिए हैं तंबू, और हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे दो शंभू, और देख रहे हैं ठंडा के लिए हो रहा है मारा मारी, और घुटन में हमें नहीं मिल रही थी एक भी बारी। तो हम सोच रहे हैं हम भी इन्वॉल्व हो जाए इनमें, लेकिन ये क्या, हम तो अकेले ही हैं। इनका जो भूत का पैक का वीडियो बना रहे थे, और देखो भाई ये क्या हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी। फाइनल काम हो गया है, और मैं लगा दिया हूँ दो बंदों को काम में, एक कर रहा है, दूसरा धोनी भाई लेके आ रहा है कुछ नाश्ते का सामान। और यहाँ पे देखते हैं नाश्ता के लिए, और ये दो भाई आ रहे हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं और बना लेते हैं यहाँ पे स्थान, और करते हैं यहाँ पे ग्रहण। और देखो भाई हम लोग स्टार्ट हो गए हैं, और बना रहे हैं नाश्ते की तैयारी, यहाँ पे हो रहा है सब्जी की तैयारी। देखो एक लकड़ी बना रहा है, और ये भाई बना रहा है चट्टी में, कर रहा है सब्जी का सूट, और देखते हैं सब्जी बन के हो गया तैयार, और कुछ न कुछ हो गया है हम लोग का तैयार। तो हमने देखा कि मुर्रे में डाल रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर, मिक्सचर को देखो यहाँ पे सब्जी का करेंगे हम ग्रेवी, ग्रेवी डाल करके इसको बनाएंगे हम क्रंची। और भाई साहब बोल रहे हैं वी आर रेडी, वी आर रेडी। हम लोग हैं यहाँ पे मास्टर, तो देख रहे हैं ये मास्टर है, ब्लास्टर है, और हम लोग हो गए हैं प्याज काटते हुए तैयार। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो कुछ खास बात होना चाहिए। तो हम कर रहे हैं सलाद की तैयारी, और हो रही है कुछ दो दो बारी, मुर्रे की हो रही है पारी।
और अभी सब्जी हम दिखाएंगे आपको कुछ खास। और ये बनाया है मनीष भाई और धोनी भाई का कमाल है। और इसमें लग रहा है तेल का तड़का हुआ है और यहाँ पे मुर्रा और मिक्सचर का हो रहा है फ्राई। और देख रहे हैं हम लोग खा रहे हैं भाई, आप लोग इन पे हो जाइए इन्वॉल्व। तो आइए ग्रेवी के साथ कर लेते हैं मुर्रे की फ्राई। तो हो गया है हमारा मुर्रे की फ्राई वाली चखना तैयार। तो हम लोग भीड़ ही जाते हैं और मिक्स करने लगते हैं। तो ये है हमारा मोटलू भाई तैयार हो गया है और कर रहा है रेसिपी तैयार। रेसिपी मिक्स होने के बाद में भाई मनीष ने डाल दिया है ग्रेवी, और ग्रेवी और डाल दिया और हो गया है हमारा मुर्रे का जो मिक्सचर है क्रंची बन गया है। यहाँ पे निकाल लिए हैं पानी और बारी बारी हो रही है विचरण। और देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है। तो सोच में आगे देखेंगे, हमारे सामने जूठा रख दिया गया है और बाकी वो दो भाई पटकू के साथ कुश्ती खेल रहे हैं और हमारे साथ कुछ और ही हो रहा था। हमें तो न तो चिकना मिल रहा था न तो हमें कुछ खाने को, बाकी हमने और अलग से व्यवस्था बना लिया। देख रहे हैं यहाँ पे पेट नहीं था, डिस्पोजल था और बाकी चखना ही था, पानी तो डिस्पोजल में मिला ही नहीं। फाइनली हम सबों का नाम मैं बता दूं, ये है भाई मेरा दरस जो खा रहा है हरस भरस, और दूसरा भाई है ये मनीष टोपी वाला, और ये है चश्मे वाला कमल, और दूसरा तीसरा बता दूं भाई ये ब्लैक जैकेट में अमर सिंह है, और दूसरा बता दूं भाई आपको मैं अरे वाह सब्जी क्या मिला था, और देखते हैं प्रशांत भाई मोटलू है। तो इस तरह से हमने सब्जी का कर लिया है बंटवारा और भिड़ गए हैं भाई खाने के लिए, ताकि नहीं मिलेगा हमको ये चिकना का सब्जी दोबारा। तो यहाँ पे रेडी हो ही गए हैं और खाने वाले हैं। और भाई लोगों को बता दूं कि हो गया हमारा फाइनल यहाँ पे खाना और हम लोग पहुँच लिए हैं मुंह और तैयार हो गए हैं। पेट भी फुल हो गया था और कुछ गप शप मारने लगे हैं और कुछ अपने कहानी किस्से बताने लगे हैं। तो अरे ये क्या, हमारा बाइक ही खराब हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, घने जंगल में हम पसीने पसीने हो गए हैं। भाई लोगों की हालत खराब है, पसीना एक तरफ साफ है, किक मार मार के हो रहे हैं परेशान, और पिकनिक का हो गया हमारा बुरा हाल। तो भाई याद रह गए हमारा गाड़ी का एक नक्शा, भाई मोटलू ने इसका हालत किया है खस्ता। फिर फाइनली हो गए स्टार्ट गाड़ी और हम लोग चल रहे हैं अपने घर की। हमारे सभी भाइयों को है हमारे ब्लॉग में नमस्ते, और भाई लोगों से निवेदन है हमारे DSL ब्लॉग को कर दे लाइक और सब्सक्राइब। हम लोग फाइनली आ गए हैं अपने घर, तो हम दिखा रहे हैं अब अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर।